आर यू रेडी गाइस? चलो यहाँ मैं अपना 5 कलर 35 पीसेस ये हो गया, 4 थ्रेड ले लिया, हाँ ये सेपरेट, ये मैदा ले लिया, ये सब मंदिर के लिए सुंदर सजाया था। काफी लोग आके यहाँ पूजा वूजा देखे गए अभी। फ्रूट्स लोग का कटिंग हो रहा है, कुमार सर भी है, हमारे बच्चे सब कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ में प्रॉपरली फल वल काटा जा रहा है। Welcome back to my channel. This is a boy Pritam watching my YouTube channel Explore with Pritam. Hope so, आप सब जहाँ भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती कर रहे होंगे। तो सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत में अपने ट्यूशन हॉल से कर रहा हूँ। एक्चुअली आज शिवरात्रि, सो हैप्पी शिवरात्रि टू यू ऑल। तो इस शिवरात्रि में एक्चुअली मुझे मंदिर में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, मुझे मंदिर को डेकोरेट करना है एक्चुअली लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पर डेकोरेट किया था उसी तरह डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले चलता हूँ बसंत भैया के दुकान, वहाँ जाके कलरिंग पेपर वगैरह कलेक्ट करता हूँ। कुछ बच्चियों को भी बुलाया हूँ, उन लोगों को लेके हम शिव मंदिर को प्रॉपरली डेकोरेट कर देते हैं। उसके बाद आके हमें फिर पानी डालने भी जाना है नहा वहा के। फिर 9 बजे से मेरा एग्जाम ड्यूटी है, क्योंकि आज एग्जाम इनविजिलेटर मैं हूँ। तो मुझे जाना है रेमी स्कूल वापस ड्यूटी के लिए। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिए, बहुत एंजॉयबल होगा। आज शिवरात्रि है, कैसे हम शिवरात्रि मनाते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई बड़ा धाम तो नहीं है जहाँ पे सब लोग जाते हुए आप देखोगे, डाम्बुक एरिया में तो एक ही मंदिर है जहाँ पे हम लोग पूजन करते हैं। तो बाहर अगर जाओगे तो शिवरात्रि में बहुत सारा लोग पैदल खाली पेट ना, और मतलब रास्ते में सोते सोते हुए भी जाते हैं, मतलब मेहनत करते हुए पानी डालने जाते हैं। बहुत स्ट्रगल करते हैं उन लोग इसको करने के लिए। पासीघाट साइड में भी होता है शिवरात्रि स्पेशल। तो चलिए कैसे जाते हैं सारा दिन देखते हैं। सो बने रहिए ब्लॉग का एंड तक। फिलहाल हम जा रहे हैं बसंत भैया का दुकान, और ये मैं फील्ड से होते हुए जा रहा हूँ, ये डाम्बुक जनरल फील्ड। तो यहाँ से स्ट्रेट जाऊंगा तो बाजार मिल जाएगा मुझे, इतना घूम के कौन जाएगा यहाँ से। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। फाइनली दुकान पहुंच गए हम लोग। बसंत भैया मॉर्निंग मॉर्निंग भाभी, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि आपको भी। अच्छा हमको कलरिंग पेपर दीजिए, 7-7 करके दे दीजिए अलग अलग कलर का। हाँ, और थ्रेड होगा और गम। ये अपना बसंत भैया का दुकान। कुमार सर बोला आपके यहाँ से ले लो, और CFL 2 चाहिए था, 2 CFL। ले लेते सामान लोगों को, अभी खोला ना आपने। यहाँ मैं अपना 5 कलर 35 पीसेस ये हो गया, 4 थ्रेड ले लिया, हाँ ये सेपरेट, ये मैदा ले लिया, ये सब मंदिर के लिए। और यहाँ मैं पर्सनली खुद के लिए 9 शोपी नूडल लिया। इसका कितना हो गया भैया? 285। मेरा वाला ये हो गया 190 ना, ठीक है चलिए। फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट लोग फ्लैग को कटिंग कर रहे हैं, मैं जो लेके आया था बसंत भैया की दुकान से। अभी घर आया हूँ एक्चुअली गम को बनाने के लिए। तो ये मैदा इसमें मम्मी डाल रही है, तो इसे थोड़ा सा पानी से यहाँ पे उबालेंगे तो ये अच्छा गम बन जाएगा चिपकने के लिए। बस अभी थोड़ा सा उबालेंगे ना, उबाल के रखिएगा सर। तब तक मैं नहा लेता हूँ, नहा के फटाफट घर का पूजा कर लेता हूँ, फिर मंदिर चलेंगे, वहाँ पूजन करके फिर स्कूल निकल जाएंगे गाइस। सो गाइस अभी तक बिस्तर भी हम नहीं मिला है, बिस्तर को मिला लेते हैं, उसके बाद नहाने चलते हैं, फटाफट बिस्तर मिला लेते हैं। और यहाँ में हमारा गम बनके तैयार पूरा, अब इसको ले जाएंगे ट्यूशन रूम, वहां जाके तैयारी करके हम सीधा मंदिर चले जाएंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहा लिए गाइस, अभी पूजा का मंदिर में चलते थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं। और ये है बेल पत्ता और यहाँ पानी, हम थोड़ा ये शिव की पत्थरों पे थोड़ा यहाँ पूजा कर लेते फिर मंदिर जाएंगे, और थोड़ा हनुमान जी का भी पूजा कर लेंगे फटाफट। तो फिर पूजा करके आपसे मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। गरीब शाणी की कुंडली चाहिए मेरे को। फाइनली मंदिर पहुंच गए हम लोग, डाम्बुक शिव मंदिर। और यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, ये फ्रंट वाला पोर्शन है जैसे कि आप ब्लॉग में देखें, और ये मेन मंदिर है। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। तो यहाँ नीलू काम कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा हम रस्सी लगाएंगे 3-3 रूम में, यहाँ पे रस्सी। और वहाँ पे कुछ बच्चे, 2 पीछे बच्चे काम कर रहे हैं इस तरफ में। तो इधर भी पूरा फ्लैग्स लगा के डेकोरेशन करेंगे, इसका आगे भी लगाना नीलू। हाँ ये जगह में ही पोर्शन में, ये वाला, ये जगह में ना, इसमें भी लगाना है। वो देखो ना ऊपर ऊपर लगाना था ना, अगर बचता है तो यहाँ भी लगाना, ठीक है। और ये अपना नया पुलिस स्टेशन, जिसकी बाउंड्री के अंदर में ये मंदिर भी आता है। तो ये काफ़ी 30-40 साल हो गया, बहुत पुराना मंदिर है। तो आज शिवरात्रि स्पेशल का तैयारी चल रहा है यहाँ पे, तो बच्चे अभी काम करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, अभी मैं स्कूल की ओर निकलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फिलहाल गाइस एग्जाम ड्यूटी में हूँ, और यहाँ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और आज ये फ्लास्ट टाइप का लास्ट एग्जाम है,
और यहाँ मुझे चाय मिल गया गाइस और बिस्कुट देखो थैंक्स टू स्कूल। तो हमारे सारे बच्चे निकल गए एग्जाम देके। कैसा हुआ आप लोग का लास्ट एग्जाम? अच्छा हुआ है ना, तो क्लास सिक्स में जाएगा ना। अच्छा से मेहनत करो, हिंदी आप लोग बहुत वीक है, हिंदी में अच्छे से मेहनत करो ठीक है। तो फाइनली एग्जाम खत्म, अभी घर की ओर निकल रहे हैं हम लोग। तो भाई साहब फाइनली घर आ चुके हैं, आप कुछ खा लेते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया, सत्तू कॉल खाएंगे क्योंकि आज शिवरात्रि है, तो हम लोग कोई नॉनवेज चीज नहीं खाएंगे आज, ये खा लेते हैं। और यहाँ पे मिठाई रखा हुआ है, देख सकते हैं मिठाई रखा हुआ है, ये मिठाई खा लूंगा। और यहाँ साबूदाना भी है, साबूदाना भी स्मैश करके खाऊंगा, तो आज यही खाऊंगा। सो हियर इज माय ब्रेकफास्ट, काफी अच्छा लग रहा है देख के, अब खा के देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। काफी बढ़िया है, चलिए खा लेते फटाफट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल फॉर्मड ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज इट। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। तो गाइस फाइनली ट्यूशन खत्म करके घर पे आए अभी लंच करने के लिए, फिर से ट्यूशन है मेरा शाम को, फिर हम जाएंगे मंदिर की ओर। लंच में अभी है आपका, ये है आलू टमाटर का पिटिका एकदम ऑर्गेनिक स्टाइल में, ये साग देख सकते हैं आप, ये साग क्या क्या है मम्मी इसमें? लहसुन आलू और बैंगन, लहसुन आलू और बैंगन, और ये बैंगन का फ्राई, और ये हमें मिक्सचर सब्जी, और ये कुछ फ्राइड राइस था, कुछ व्हाइट राइस है, खा लेते फटाफट। सारे पांच बज चुके हैं और हमारे क्लासेस खत्म हो गया, अभी हम लोग सब लोग जाने वाले कहाँ? शिव मंदिर, ये सुन लो। तो सब लोग हम लोग जाके वहाँ प्रसाद वसाद खाएंगे, और ये हमारा पार्ट टाइम हिंदू बोलते खुद को, ये 400 से विकी भी है, तो ये पूरा कंप्लीटली हिंदू हो ही गया बोलते है, इसलिए आधा हिंदू है पूरा ये। तो इंडिया से सेक्युलर कंट्री, हम लोग हर जगह में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, हम खुद भी चर्च में भी जाते हैं ना, तो सब लोग मंदिर चलते हैं और वहाँ जाके पूजा करते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं और प्रसाद प्रसाद खाते हैं। आर यू रेडी गाइस? चलो। तो फिलहाल गाइस हम लोग मंदिर आ चुके हैं, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं और मैडम लोग सफाई कर रहे हैं, सब आने वाले हैं, इसके बाद आरती शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ में हमारा फ्रूट्स लोग का कटिंग हो रहा है, कुमार सर भी है, हमारे बच्चे सब कटिंग कर रहे हैं, यहाँ अनाज मोदी नीलू, नारियल काटने में तुम लोग एक्सपर्ट नहीं है ना, अरे छील रहा था अच्छा से, और सर ने निकाल के दिया ना। और यहाँ में प्रॉपरली फल वल काटा जा रहा है, ये है नीलू और ये अनाज, और ये मैं और एक संतरे का बकली हिसाब कर रहे बैठ के। The next morning. So this is the next morning, guys. Actually, कल रात को हम लोग पूजन करके हम थोड़ा जल्दी में कहीं इमरजेंसी काम पे निकल गए थे, तो पूजा तो कर लिया था लेकिन आपको आरती वरती नहीं दिखा पाए हमें, तो अभी जा रहा हूँ फिर से मंदिर में पूजन करने, मम्मी और दीदी निकल चुके हैं, तो मंदिर जाके मिलते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ठंडा ठंडा पानी से नहाना पड़ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे सुबह सुबह दूध नहीं आया तो हमने पवित्र गंगा जल के साथ कर रहे हैं, सुबह सुबह दूध मिला नहीं और हम दूसरा दूध यूज नहीं कर सकते, वरना दूध चराते हैं हम लोग, कोई नहीं गंगा जल ही से। तो अब ये कुछ फल है और बेल है, ये भी चरा देंगे साथ में पत्ता भी है।
सो गाइस सारा पूजन खत्म हो गया। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मन की करें और अपने दिल की संदेश से। बॉय प्रीतम साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।